हेलो गाइस, टुडे आई विल शेयर यू आर्मेचर वाइंडिंग। हमारा टॉपिक चल रहा था आर्मेचर वाइंडिंग, जिसमें हमने शेयर कर चुके हैं आर्मेचर वाइंडिंग क्या होती है, उसमें कौन सी आर्मेचर में हम कौन सी वाइंडिंग यूज़ करते हैं। बट हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की और वाइंडिंग भी यूज़ करते हैं, तो उसमें से एक वाइंडिंग है सिंगल लेयर वाइंडिंग। ये सिंगल लेयर वाइंडिंग कहाँ यूज़ होती हैं और हम कैसे यूज़ करते हैं, इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले सिंगल लेयर वाइंडिंग का डायग्राम देख लीजिए। ये है हमारा सिंगल लेयर वाइंडिंग का डायग्राम। ये सिंगल लेयर वाइंडिंग का डायग्राम। सिंगल लेयर वाइंडिंग में हम जो वाइंडिंग होती है हमारी, उसमें जो ये एक कॉइल साइड पर हम एक स्लॉट पड़ा होता है, मतलब जो एक कॉइल साइड है इस पर एक ही स्लॉट पड़ा होता है, जैसे कि ये एक स्लॉट पड़ा होता है, उसे हम कहते हैं सिंगल लेयर वाइंडिंग। उसी तरह से ये जो हमारी दूसरा डायग्राम है, इसमें ये क्या है, एक कॉइल पर दो स्लॉट पड़े हुए हैं। एक ही कॉइल है हमारी, ये कॉइल है जो टर्न कर रही है, एक ही कॉइल पर कितने दो स्लॉट्स पड़े हुए हैं। इन स्लॉट्स को हम क्या कहते हैं, डबल लेयर वाइंडिंग। इन स्लॉट को हम क्या कहते हैं, डबल लेयर वाइंडिंग। अब ये आपने देख लिया सिंगल लेयर वाइंडिंग और डबल लेयर वाइंडिंग। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, मेन डिफरेंस ये है कि जो इन सिंगल एक ही कॉइल है, इसके जो स्लॉट्स हैं, अगर 60 कॉइल हैं तो 60 स्लॉट्स भी होंगे। बट इसमें क्या होगा, इसमें 60 कॉइल हैं तो आपके डबल डबल स्लॉट्स हैं, तो इसमें 30 स्लॉट्स होंगे। ये डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पर हर एक स्लॉट के लिए, मतलब हर एक कॉइल पर हर एक एक स्लॉट है, बट यहाँ पर हर एक स्लॉट पर एक एक कॉइल पर दो दो स्लॉट्स हैं, इसलिए हम इसे डबल लेयर वाइंडिंग कहते हैं और इसे सिंगल लेयर वाइंडिंग होते हैं। उसी तरह से आपको ये फोर स्लॉट्स मैंने बनाए हैं, जिस तरह से देखिए ये एक ही कॉइल में हम फोर स्लॉट्स यूज़ कर रहे हैं, एक दो तीन चार। इन फोर स्लॉट्स में अगर 16 कॉइल हैं तो आपके स्लॉट्स कितने होंगे, 15 स्लॉट्स होंगे। ये 15 स्लॉट्स होंगे। इस सिंगल लेयर वाइंडिंग और डबल लेयर वाइंडिंग में कुछ नहीं है, सिर्फ यही है कि इसमें अगर स्लॉट्स कॉइल अगर 60 है तो 60 स्लॉट्स होंगे, और इसमें डबल लेयर वाइंडिंग में 16 कॉइल है तो 30 स्लॉट्स होंगे। बट जो टू लेयर वाइंडिंग होती है वो क्या नंबर ऑफ जो मतलब नंबर ऑफ जो कॉइल होती है इक्वल होती है नंबर ऑफ कॉइल जो है इक्वल होती है नंबर ऑफ स्लॉट्स के, इसलिए यहाँ पे कभी कभी 16 कॉइल होंगी तो 16 स्लॉट्स भी होंगे। ये एक स्टैंडर्ड डबल लेयर वाइंडिंग होती है, एक स्टैंडर्ड वाइंडिंग इसे हम कहते हैं। और सिंपल वाइंडिंग मतलब टू लेयर वाइंडिंग हो तो उसमें ये 16 स्लॉट्स और कॉइल, ठीक है, ये टू लेयर वाइंडिंग के लिए है। और ये स्टैंडर्ड डबल लेयर वाइंडिंग के लिए, ये डिफरेंस है सिर्फ इनमें और इनमें। ये डेफिनेशन में लिखा हुआ है, जो मैं आपको पढ़ के एक बार समझा देती हूँ। इफ़ वन कॉइल साइड इज प्लेस्ड इन वन स्लॉट इट इज सिंगल लेयर वाइंडिंग। टू लेयर वाइंडिंग, ये टू लेयर वाइंडिंग है, टू लेयर वाइंडिंग जिसमें 16 कॉइल हैं, 30 स्लॉट्स हैं। टू लेयर वाइंडिंग मीन्स टू और मोर कॉइल साइड आर अरेंज इन टू लेयर इन वन स्लॉट, मतलब एक
कॉइल में 2 स्लॉट्स होंगे। नोट है, इन अ स्टैंडर्ड डबल लेयर वाइंडिंग विथ 2 कॉइल साइड पर स्लॉट देन द नंबर ऑफ स्लॉट देन नंबर ऑफ इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉइल, मतलब नंबर ऑफ कॉइल इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्लॉट्स। नेक्स्ट आपका टॉपिक है आर्मेचर वाइंडिंग, मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग। ये मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग ये जो मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग होती है वो डिपेंड करती है मल्टीप्लिसिटी फैक्टर पर, मतलब इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम एम से। इसमें जो है डीसी वाइंडिंग आर क्लोज सेट ऑफ वाइंडिंग इफ देयर आर There is only one set of winding. It is known as simplex, where multiplex factor m is equal to 1. Means जो हमारी winding है DC winding वो क्या होगी, वो closed होगी, इस तरह से वो closed winding होगी। Open winding मतलब क्यों होगी closed winding, क्योंकि यहाँ पर commutator connect रहता है। Armature winding जो AC होती है उसमें कम्यूटेटर हम यूज़ नहीं करते, पर जो डीसी मशीन्स होती हैं उसमें हम कम्यूटेटर यूज़ करते हैं, जिस कारण से हम इन वाइंडिंग को क्लोज करते हैं। इसलिए हम यहाँ पर डीसी वाइंडिंग आर क्लोज सेट ऑफ वाइंडिंग कह रहे हैं। और एक ही मतलब एक सेट जो है हमारा, एक वन सेट ऑफ वाइंडिंग को हम क्या बोलेंगे, सिंप्लेक्स वाइंडिंग। ये जो हमारी एक सेट ऑफ वाइंडिंग है उसको हम कहेंगे सिंप्लेक्स वाइंडिंग, और इसका मल्टीफैक्टर अगर एम है तो उसे हम कहेंगे सिंप्लेक्स वाइंडिंग। बट जब मल्टीसिप्लिटी फैक्टर 2 है उसे हम कहेंगे डुप्लेक्स वाइंडिंग, और जब सिमिलरली 3 सेट ऑफ वाइंडिंग मतलब इस तरह की 3 वाइंडिंग हो उस और इसका मल्टीसिप्लेक्टर 3 हो तो इसे ट्रिप्लेक्स वाइंडिंग कहेंगे। ये सेट ऑफ वाइंडिंग्स हैं, ये जो सेट ऑफ वाइंडिंग्स लिखा हुआ है ये सेट ऑफ वाइंडिंग्स हैं। इस तरह से 1, 2, 3 वाइंडिंग्स अगर करेंगे तो एक वाइंडिंग को हम कहेंगे, इस तरह की जो वाइंडिंग करेंगे उसको सिंप्लेक्स वाइंडिंग कहेंगे, और इसी तरह की दूसरी वाइंडिंग को हम डुप्लेक्स वाइंडिंग कहेंगे सेट ऑफ वाइंडिंग्स को। और इसी तरह से 3 सेट ऑफ वाइंडिंग्स मतलब 3 तरह की वाइंडिंग सेट करेंगे डीसी मशीन, क्लोज्ड वाइंडिंग होगी उसे 3 सेट ऑफ वाइंडिंग्स कहेंगे। इन मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग इंक्रीज द करंट रेटिंग और लोडिंग कैपेसिटी, ये करंट रेटिंग को इंक्रीज करता है और लोडिंग कैपेसिटी को भी बढ़ाता है, बट रिड्यूस करता है वोल्टेज रेटिंग को। क्या करता है, रिड्यूस करता है वोल्टेज रेटिंग को। और इसका नोट है, दीज आर मोर एडवांटेज इन वेव वाइंडिंग देन लैप, मतलब ये वेव वाइंडिंग के लिए ज़्यादा अच्छा है एज कंपेयर टू लैप वाइंडिंग। फॉर गिवन नंबर ऑफ कंडक्टर मल्टीप्लिसिटी इंक्रीज करंट वाइल रिड्यूस वोल्टेज रेटिंग। आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग क्या होती है। मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग वो वाइंडिंग होती हैं जो मल्टीसिप्लिटी फैक्टर को पर डिपेंड करती हैं। हम इसमें क्लोज डीसी वाइंडिंग यूज़ करते हैं, एक क्लोज सेट ऑफ वाइंडिंग होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसमें हम कम्यूटेटर कनेक्ट करते हैं, डीसी मशीन में हम कम्यूटेटर कनेक्ट करते हैं इसलिए। और एक सिंगल सेट ऑफ वाइंडिंग को हम कहते हैं सिंप्लेक्स वाइंडिंग, जिसका मल्टीप्लिसिटी फैक्टर 1 होता है। अगर 2 सेट ऑफ वाइंडिंग्स होंगी तो, और जिसका मल्टीसी फैक्टर 2 हो उसे हम डुप्लेक्स वाइंडिंग कहेंगे, और जिसका 3 मल्टी सेट ऑफ वाइंडिंग हो और मल्टीसी फैक्टर 3 हो उसे हम ट्रिप्लेक्स वाइंडिंग कहेंगे। नेक्स्ट है आपका फ्रंट एंड और बैक एंड किसे कहते हैं, फ्रंट एंड और बैक एंड किसे कहते हैं। तो ये जो हमारा होता है
वाइंडिंग्स में इस तरह का, इसे फ्रंट वाइंडिंग कहते हैं, फ्रंट एंड सॉरी, और इसे बैक एंड। ये फ्रंट एंड किससे कनेक्ट होता है, कम्यूटेटर से, ऑलवेज क्या कनेक्ट होता है, फ्रंट एंड, द एंड वेयर कम्यूटेटर इज कनेक्टेड उसे हम कहते हैं फ्रंट एंड, और बैक एंड इसे हम कहते हैं बैक एंड। नेक्स्ट है आपका फ्रंट पिच और बैक पिच। तो फ्रंट पिच और बैक पिच क्या होता है, ये आपको डायग्राम से पहले एक्सप्लेन करूँगी, फिर उसके बाद डेफिनेशन हम पढ़ के समझेंगे। तो ये मैंने बनाया है, ये है हमारा होता है बैक एंड, ये हमारा होता है फ्रंट एंड। फिर ये जो हमारा, ये हमारी कौन सी वाइंडिंग होती है, ये हमारी होती है लैप वाइंडिंग, ये लैप वाइंडिंग होती है, इसे हम लैप वाइंडिंग कहते हैं। पर यहाँ पर हम सिंपली एक वाइंडिंग के तौर पर देख रहे हैं कि फ्रंट पिच कहाँ होता है और बैक पिच कहाँ होता है। ये जो फ्रंट पिच होता है, फ्रंट पिच में जो फर्स्ट साइड होता है कंडक्टर का, जो ये वाइंडिंग का फर्स्ट साइड और फर्स्ट लास्ट साइड, वाइंडिंग का ये जो लास्ट एंड होता है और फ्रंट एंड होता है, उसे हम कहते हैं बैक पिच, उसे हम कहते हैं बैक पिच। इसे हम कहते हैं बैक पिच। बट जो हमारा सेकेंड वाइंडिंग का फर्स्ट साइड होता है, ये सेकेंड वाइंडिंग है हमारी, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, थर्ड, ये फोर्थ, तो ये सेकेंड वाइंडिंग का ये वाला और इस वाले पार्ट को हम कहते हैं फ्रंट पिच, ये हमारा होता है फ्रंट पिच। और जो इन दोनों का रिजल्टेंट होता है वो यहाँ होता है, इसे हम कहते हैं रिजल्टेंट, ये हमारा होता है रिजल्टेंट। रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है वाई आर इज इक्वल टू ये वाई बी, मतलब बैक पिच और ये फ्रंट माइनस फ्रंट पिच, इसे हम कहते हैं, ये आपकी डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, इसमें फ्रंट पिच कौन सा है, बैक पिच कौन सा है, बैक एंड कौन सा है, बैक फ्रंट एंड कौन सा है, ये सब आपको पता होना चाहिए, वाइंडिंग में कहाँ होते हैं, आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि ये कहाँ होते हैं, इसलिए मैं आपके साथ ये डेफिनेशन शेयर कर रही हूँ। सेकेंड आपका क्वेश्चन है कम्यूटेटर पिच, यहाँ पे देख लीजिए, ये कम्यूटेटर पिच, कम्यूटेटर पिच क्या है, नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट बिटवीन टू सक्सेस कॉइल इस कम्यूटेटर और पिच में, मतलब दो, ये जो हमारी दो सक्सेसिव कॉइल हैं, जो उनके बीच का डिफरेंस होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, कम्यूटेटर पिच कहते हैं। मतलब ये वाला जो हमारे ये वाले डायग्राम में, ये जो फर्स्ट कॉइल का फर्स्ट वाइंडिंग का फर्स्ट साइड और ये फर्स्ट वाइंडिंग का लास्ट एंड, फर्स्ट वाइंडिंग का लास्ट एंड जो यहाँ से निकल रहा है, उसे हम कहते हैं कम्यूटेटर पिच, उसे हम क्या कहते हैं, कम्यूटेटर पिच। आप यही है आपका कम्यूटेटर पिच, बैक एंड, फ्रंट एंड, तो आपको ये पता होना चाहिए, और मैं अच्छे से क्लियर करते रहती हूँ डेफिनेशन के थ्रू। फ्रंट एंड द कम्यूटेटर एंड वेयर द एंड वेयर कम्यूटेटर इज कनेक्टेड, मतलब जहाँ से कम्यूटेटर कनेक्ट हो। कम्यूटेटर क्यों कनेक्ट करते हैं, डीसी वाइंडिंग में हम कनेक्ट करते हैं और ये क्लोज वाइंडिंग होती है। फ्रंट पिच वो होती है, फ्रंट पिच इज द नंबर ऑफ कंडक्टर स्पैंड बाय वन कॉइल एट डिफरेंट एंड ऑफ आर्मेचर, ये हमारी होती है, सॉरी ये हमारी नहीं होती, ये हमारी होती है फ्रंट एंड, मतलब सेकेंड वेव जो हमारा वेव है उसकी सेकेंड वाइंडिंग और फर्स्ट की लास्ट वाइंडिंग,
फर्स्ट एंड की लास्ट साइड, और ये हमारी सेकंड साइड है, उसे हम कहते हैं फ्रंट पिच, और ये हमारा होता है बैक पिच। बैक पिच द अदर एंड ऑफ कम्यूटेटर, ऑल द कनेक्शन मेड एट द बैक एंड अकॉर्डिंग टू बैक पिच। नंबर ऑफ कंडक्टर स्पान मीन्स डिफरेंस होता है इसका मतलब, इफ वन कॉइल एट द बैक एंड ऑफ आर्मेचर, जहाँ जहाँ पर सारे कनेक्शन किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू बैक पिच, वो होता है बैक पिच। जहाँ पे सारे कनेक्शन किए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, बैक पिच। ये होती है हमारी बैक पिच, यहाँ से ये वाली वाइंडिंग की फर्स्ट साइड और फर्स्ट वाइंडिंग की लास्ट साइड, सेकंड वाइंडिंग की फर्स्ट साइड और फर्स्ट वाइंडिंग की लास्ट साइड, ये हमारी फ्रंट पिच होती है। और रिजल्टेंट पिच ये होती है। रिजल्टेंट पिच की डेफिनेशन क्या है, रिजल्टेंट पिच डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग वन कॉइल, ये जो हमारी स्टार्टिंग वन कॉइल एंड इज इज नेक्स्ट सक्सेसिव कॉइल, नेक्स्ट ये सक्सेसिव कॉइल, वो हमारी क्या होती है, रिजल्टेंट। रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला इसका वाई आर इज इक्वल टू वाई बी माइनस वाई एफ। कम्यूटेटर पिच, कम्यूटेटर पिच मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ इस डाइग्राम से, नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट बिटवीन टू सक्सेसिव कॉइल, दो सक्सेसिव के बीच का डिफरेंस, उसे हम कम्यूटेटर पिच कहते हैं। ये हमारा होता है कम्यूटेटर पिच, वाइंडिंग का फर्स्ट एंड और फर्स्ट वाइंडिंग का लास्ट एंड, उसे हम कहते हैं कम्यूटेटर पिच। नेक्स्ट टॉपिक है आपका टाइप ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग। टाइप ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग में कुछ पॉइंट्स दिए हैं, ओपन वाइंडिंग आर ओनली फॉर एसी मशीन, जो ओपन वाइंडिंग होती है वो एसी मशीन के लिए होती है, और डीसी वाइंडिंग ऑलवेज क्लोज वाइंडिंग बिकॉज देयर इज कम्यूटेटर। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ क्योंकि वहाँ पर कम्यूटेटर कनेक्ट होता है, इस वजह से हम डीसी वाइंडिंग ऑलवेज क्लोज की जाती है। ये टाइप्स ऑफ आर्मेचर, ये दो टाइप की वाइंडिंग होती हैं, एक होती है ग्रैमे वाइंडिंग, दूसरी होती है ड्रम वाइंडिंग। ग्रैमे वाइंडिंग वो वाइंडिंग होती है जो हेलो रिंग होती है, हेलो रिंग का एक स्ट्रक्चर होता है, उसमें हम वाइंडिंग को वाइंड करते हैं, बट इसमें जो वाइंडिंग होती है वो इनसाइड और आउटसाइड होती है, मतलब थोड़ी बाहर की ओर निकली हुई होती है कुछ इस तरह से, जैसे ये बाहर की ओर निकला हुआ है और ये पार्ट ऐसे बाहर की ओर ऐसे जा रहा है इस तरह से, इनसाइड और आउटसाइड। तो जो इनके बीच का जो एक हाफ जो बाहर साइड जा रहा है, तो ये हाफ टर्न क्या होगा, हाफ टर्न हमारा वेस्ट हो जाएगा, हाफ ऑफ द टर्न वेस्ट जा रहा है, जिसकी वजह से इसमें इंसुलेशन और रिपेयरिंग कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इंसुलेशन मेंटेनेंस और रिपेयरिंग क्या हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, जिस वजह से हम इसे रिप्लेस्ड करके ड्रम वाइंडिंग का यूज़ करते हैं, जो हमारी नेक्स्ट वाइंडिंग है। हम ग्रैमे वाइंडिंग का यूज़ करते थे, डीसी मशीन जो हमारी होती है पहले हम ग्रैमे वाइंडिंग का यूज़ करते थे वहाँ पर इसके कुछ लॉसेस थे, जैसे कि आपका, मैं आपको पढ़ा बताती हूँ, आर्मेचर कोर इज हेलो रिंग लाइक स्ट्रक्चर एंड वाइंडिंग इज वाउंड इनसाइड एंड आउटसाइड। जो वाइंडिंग होती थी वो हमारी इनसाइड भी रहती थी और आउटसाइड रहती थी, जो इनसाइड वाली वाइंडिंग रहती थी उसे हमें करने में दिक्कत होती थी, जिस वजह से कि हाफ ऑफ द वाइंडिंग क्या होता था, वेस्टेज हो जाती थी, मतलब हम जो हाफ ऑफ द वाइंडिंग है वो पूरी वेस्ट हो जाती थी, जिसको मतलब वाउंड करते थे पर वो पूरी वेस्टेज हो जाती, जिसका मेंटेनेंस करवाना और रिपेयर करवाना भी मुश्किल होता था, जिस वजह से हम इसको रिप्लेस करके ड्रम वाइंडिंग का यूज़ करने लगे, इसलिए हम अब ड्रम वाइंडिंग का यूज़ करते हैं। और ड्रम वाइंडिंग होती क्या है ये आपको मैं बताती हूँ। ड्रम वाइंडिंग वो वाइंडिंग होती है, पहली लैप वाइंडिंग। ड्रम वाइंडिंग जो होती है वो दो टाइप की होती है, एक लैप और दूसरी वेव।
जो हम यूज़ करते हैं, हमने बहुत बार पढ़ा होगा लेव वाइंडिंग वेव वाइंडिंग, वो यही है। वो ड्रम वाइंडिंग के दो टाइप हैं, एक लेव वाइंडिंग एक वेव वाइंडिंग। और मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी कल, लेव वाइंडिंग वेव वाइंडिंग। आज ड्रम वाइंडिंग समझ लेते हैं क्या होती है। इन ऑर्डर टू डेवलप वाइंडिंग टू रिपेयर बैक पिच एंड फ्रंट वैल्यू ओनली, जो डेवलप करता है बैक पिच और फ्रंट वैल्यू को, मतलब ये हमारा होता है बैक पिच और ये हमारा फ्रंट वैल्यू को जो डेवलप करता है। टू डेवलप लेव वाइंडिंग, लेव वाइंडिंग में डेवलप करता है फ्रंट बैक पिच एंड फ्रंट पिच हैव अपोजिट साइन, मतलब ये दोनों क्या करते हैं, अपोजिट साइन रिप्रेजेंट डेवलप करते हैं। देयरफॉर ये एक दूसरे के इक्वल नहीं होते हैं। जो बैक पिच, इट शुड नॉट बी इक्वल टू फ्रंट पिच। व्हेन वाई वी अगर ग्रेटर देन है इफ, तो ये इट इज़ कॉल्ड, इसे हम कहेंगे प्रोग्रेसिव वाइंडिंग। अगर बैक पिच बड़ा हुआ फ्रंट पिच से तो हम क्या बोलेंगे उसे, प्रोग्रेसिव वाइंडिंग। अगर बैक पिच छोटा हुआ फ्रंट पिच से उसे हम कहेंगे रिट्रोग्रेटिव वाइंडिंग। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट हमारा होगा टॉपिक लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग, ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा और उसमें हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आए हो, और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा करिए। थैंक यू।